मॉर्निंग क्लास, लास्ट क्लास में हमने आपको केमिस्ट्री का रिवीजन कराया था। केमिस्ट्री में हमने आपको सॉलिड लिक्विड एंड गैस बताई थी, ठीक है। और उसके बाद हमने मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, गलनांक, क्वथनांक, हिमांक या जो ऊर्ध्वपातन होता है, वो सारी चीज़ों को हमने स्टडी कराई थी लास्ट क्लास के रिवीजन, ठीक है। आज हम बायोलॉजी का आपको रिवीजन करा रहे हैं। बायोलॉजी के रिवीजन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो पादप और जंतु कोशिका, ठीक है। पादप और जंतु कोशिका, पादप और जंतु कोशिका, ठीक है। इसमें क्या हम डिफरेंस बता रहे, ठीक है, अंतर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। इसमें हम डिफरेंस बताने जा रहे हैं। प्लांट एनिमल, प्लांट में और एनिमल में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो पादप कोशिका क्या है, जितने भी प्लांट्स आते हैं, जितने भी पौधे आते हैं, वो सब प्लांट्स में रखे गए हैं, एनिमेलिया में, प्लांटी में रखे गए, ठीक है। और जो जितने भी जीव जंतु आते हैं, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो सब आते हैं किस में, सब जंतु में आते हैं या एनिमेलिया में आते हैं, ठीक है। तो आज हम बताते हैं आपको कि प्लांट्स में और एनिमल में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उसमें कौन कौन से जो ऑर्गन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और कौन से ऑर्गन जो होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम सेल वॉल की बात कर लें, तो सेल वॉल की अगर हम बात कर लें तो इसमें जो सेल वॉल होती है, ठीक, मीन्स इसको क्या कहते हैं हम, कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, पूर्ण रूप से विकसित इसमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। और इसके जो सबसे पहले कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसके बाद जो झिल्ली होती है जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है, तो वो चारों ओर से कोशिका भित्ति कुछ घेरे हुए पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें जो सेल वॉल होती है या कोशिका भित्ति क्या होती है, प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, ठीक है। एनिमल की बात करें तो एनिमल में क्या होती है, इसमें जो सेल वॉल होती है इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। मींस क्या है, जो सेल वॉल है, मींस कोशिका भित्ति है, वो क्या होती है, एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, परिपक्व कोशिकाओं में एक बड़ी धानी पाई जाती है या जिसे कहते हैं हम रिक्तिका, ठीक है, ठीक है, वैक्यूल कहा जाता है जिसे, ठीक है। तो क्या है, जो हमारी मैच्योर होती है, मैच्योर सेल्स जो होती है उसमें एक क्या होती है, बिग वैक्यूल आर फाउंड, ठीक है। जैसे एक परिपक्व कोशिका में जो धानी पाई जाती है या रिक्तिका कहते हैं, धानी वैक्यूल जिसे कहते हैं, वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट इसकी एनिमल की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी धानी नहीं पाई जाती है, या हम ये लिख सकते हैं कि वैक्यूल्स आर एब्सेंट, ठीक है, वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, जितने भी एनिमल सेल्स हैं उसमें वैक्यूल नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या है, इसके कोशिका द्रव्य में क्या होता है, जो प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड्स मींस लवक, लवक हमने तीन प्रकार के बताए थे, वर्णिक, अवर्णिक और कौन से, हरित लवक, ठीक है, ये तीन प्रकार के हमने लवक आपको बताए थे। तो जो इसमें लवक होते हैं, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, तो इसमें लवक क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में इसमें क्या होते हैं, जो लवक होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। जो लवक होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस में पड़े रहते हैं, कोशिका द्रव्य में पड़े रहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करें एनिमल में, तो इसमें जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड इसमें एब्सेंट होता है, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लवक नहीं पाया जाता है, इसमें ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स जो होता है, ठीक है, सेंट्रोसोम क्या क्या है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल आर एब्सेंट, ठीक है, इसमें जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें जो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसमें जो क्या होता है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, वो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होती है, इसमें कम विकसित होती है, ठीक है, या हिंदी में क्या बोलते हैं हम, गॉल्जी काय या इक्टियोसोम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो गॉल्जी काय होती है या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या गॉल्जी बॉडी, बहुत सारे इसके नाम है, ठीक है, तो गॉल्जी बॉडी इसमें क्या होती है, बॉडी नॉट वेल डेवलप, पूर्ण रूप से विकसित या कम विकसित कह सकते हैं, नॉट वेल डेवलप, ठीक है, पूर्ण रूप से गॉल्जी काय इसमें प्रेजेंट नहीं होती है या नहीं पाई जाती है, कम पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो होती है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है और पूर्ण रूप से विकसित होती है, ठीक है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट, ठीक है, वेल डेवलप, वेल डेवलप, ठीक है, मींस पूर्ण रूप से इसमें जो गॉल्जी काय है वो पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो पादप कोशिका में जो होता है विभाजन के समय कोशिका के मध्य में एक प्लेट का निर्माण करती है, ठीक है, मीन्स ये हम कहें कि इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो पाया जाता है, ठीक है, सेल डिवीजन जो होता है या कोशिका विभाजन होता है वो पाया जाता है, जो कि एक प्लेट के रूप में निर्माण करती है और यह अंदर से बाहर की ओर धीरे धीरे क्या होती है, ग्रो करती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में भी सेल डिवीजन पाया जाता है, ठीक है, एनिमल में भी क्या है, सेल डिवीजन पाया जाता है, लेकिन इसमें जैसे प्लांट में था कि वह एक प्लेट के रूप में स्ट्रक्चर बनाती है, ये क्या करती है, खांचे के रूप में स्ट्रक्चर बनाती हुई चली जाती है और कोशिका को दो भागों में बांटती है, जो कि अंदर की ओर जो यह क्या करती है, बाहर से अंदर की ओर धीरे धीरे ग्रो करती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई, ठीक है, प्लांट और एनिमल के बारे में हमने बताया कि प्लांट सेल क्या होते हैं और एनिमल सेल क्या होते हैं, उसमें डिफरेंसेस बताए, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही रहेगा, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हम पहले चैप्टर का देखिए ये बता रहे हैं, ठीक है, इसमें प्लांट एनिमल, तो जो भी प्रॉब्लम पहले चैप्टर में या जो सेकंड चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उसमें भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो हमसे डिस्कस किया कीजिए, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो हमसे बताइए ताकि हम उसको और अच्छे से समझा सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, हैव अ गुड डे।